नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की दो सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो चलिए आपको बताता हूँ कौन कौन सी सेटिंग है। तो पहली सेटिंग दोस्तों यह है कि आप जो है जो कोई भी आपको SMS भेजता है तो आपने वो SMS देखा है या नहीं देखा है, तो उसके लिए जो ब्लू टिक होता है उसको कैसे बंद कर सकते हैं, तो अगले व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि आपने SMS उसका देखा है या नहीं देखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं उस पर क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में जो है उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए रीड रिसिप्ट आ रहा है, तो यहाँ पर इसको देखिए हमें अनचेक कर देना है। तो नीचे लिखा हुआ है इफ़ यू टर्न ऑफ रीड रिसिप्ट यू वॉन्ट बी एबल टू सी रीड रिसिप्ट फ्रॉम अदर पीपुल, रीड रिसिप्ट आर ऑलवेज सेंड फॉर ग्रुप चैट। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो आप भी जो है कि किसी ने आपका SMS पढ़ा या नहीं पढ़ा वो भी आप नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से जो है कि आप जो ब्लू टिक वाला नोटिफिकेशन होता है उसको आप टर्न ऑफ कर सकते हैं ताकि कोई जान नहीं पाएगा कि आपने उनका मैसेज देखा या नहीं देखा। तो पहली सेटिंग ये है, आप यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे तो जो है ब्लू टिक वाला निशान नहीं आएगा, तो इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने उनका SMS देखा है या नहीं देखा। और दूसरी कमाल की सेटिंग यह है, वो व्हाट्सएप स्टेटस से रिलेटेड है। तो इसमें आपको स्टेटस पे क्लिक करने के बाद में 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे स्टेटस प्राइवेसी में आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट ओनली शेयर विथ। यहाँ पे मान लीजिए आप कोई ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं जिसको आप किसी विशेष व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं, तो आप जो है ओनली शेयर विथ करके और ओनली शेयर विथ करेंगे तो आपके सामने आपका सारे कॉन्टैक्ट नंबर खुल जाएंगे, और उसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस पर्टिकुलरली किस पर्सन को आप दिखाना चाहते हैं। तो ये दो कमाल की सेटिंग है, आप व्हाट्सएप के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं।